मोदी जी हमने क्या बिगाड़ा है आपका, जो आपने हमारा हर चीज छीन लिया, हमने क्या बिगाड़ा है आपका? इससे अच्छा होता लाइन में खड़ा करके गोली मार देते हम सभी को। आप सनातन धर्म का बात करते हैं, हिंदुत्व का बात करते हैं, सनातन धर्म में लिखा हुआ है कर्म का फल मिलता है, हमारा कर्म का फल कहाँ गया? आपसे पूछते हैं मोदी जी, हमारा कर्म का फल कहाँ गया? हम भीख नहीं मांग रहे, जो हमने मेहनत किया वो मेहनत आपसे मांग रहे हैं। ओवरेज कर दिया है, बच्चों ने दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग छोड़ दी, ग्रुप डी की छोड़ दी, स्टेट पुलिस की नौकरी छोड़ दी, अब वो कहाँ जाएं? ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, सेंटर की कोई भर्ती रद्द हुई है। वर्दी लेनी है, वर्दी रखा हुआ है, बस रक्षा मंत्रालय और मोदी जी के पास वर्दी रखा हुआ है। अगर ये सोच ले कि उस वर्दी को लेकर आना है तो मतलब एक से दो दिन लगेगा इन सभी युवाओं को लेने में वर्दी, अगर युवा सभी एकजुट हो जाए तो। लेकिन ये जो जख्म दे के जाएंगे ये कभी नहीं भूल पाएंगे, ना बच्चे भूल पाएंगे, ना उनके पेरेंट्स भूल पाएंगे, और ऐसा इतिहास लिख जाएंगे कि भविष्य में बीजेपी का बहिष्कार होगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और एक बार हम फिर से मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई सारे ऐसे युवा हैं जिनका अग्निवीर योजना के आने के कारण रातों रात इनके सपने चूर चूर हो गए हैं, और ये बैठे बैठे अब उम्र से ज़्यादा निकल रहा है इनका, और इस वजह से इनकी भर्ती नहीं हो पा रही है। और अब ये हाल ही में, कल ही की बात है, ये राहुल गांधी से मिलकर आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने क्या कुछ उनसे बातचीत की है? राहुल गांधी सर हर तरह से हमारे साथ हैं और ग्राउंड लेवल पर भी हमारा सपोर्ट करेंगे और आगे भी हमारा सपोर्ट करने का वादा किए हैं, और उन्होंने बताया है कि आप सभी के साथ जरूर न्याय दिलवाएंगे हर तरह से, जैसे भी हो संसद में भी आवाज़ उठाएंगे। मैम आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों को बात बताना चाहता हूं जो इस भर्ती से मतलब इस पेंडिंग भर्ती से पीड़ित है। क्या आपकी ज़मीर मर गई है? अब कहां हो आप लोग? जो सपना आपने देखा था फौज का, आप जानबूझकर उस सपने को तोड़ रहे हैं। ये सारी गलती आपकी है। अगर आप सब एकजुट होते, आप सब आज हमारे साथ होते तो एक से दो दिन में हमारी भर्ती पूरी की जाती। आज सरकार मतलब हमें लतार रही है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ से हमें भगाया जा रहा है। ये सब आपकी गलती और हमारी गलती है। जब तक हम सभी संगठित नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम आपसे बार बार यही कहते आए हैं कि आप सभी एकजुट हो जाइए, और एकजुट होकर अगर संख्या बल दिखाएंगे तो प्रेशर से एक से दो दिन में हमारी मांग पूरी करेगी सरकार। आप लोग को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, हम लोग पागल हैं, चला इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ गए थे जहाँ से आपको भगा दिया गया, निकाल दिया गया? मैम सबसे पहले तो राजनाथ सिंह जी को बोलेंगे, उनके पास लगभग दो तीन बार हम लोग गए, आश्वासन के सिवा दूसरा मुलाकात हुई उनसे? बिल्कुल मुलाकात, साक्ष हमारे पास, आपको फोटो वीडियो सब हर चीज भेज देंगे। आप खुद ही सोचिए, वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय मैं भी हूँ, क्षत्रिय में है प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर एक बार जिस बात को बोल दिया उस मतलब जान चला, प्राण चला जाता है लेकिन जवान नहीं जाता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसने वचन दिया था, वादा किया था उन्होंने कि आपकी भर्ती होगी, लेकिन अभी तक हम लोग भटक रहे हैं, तीन से चार बार उनके पास गया। राजनाथ सिंह के जमीर को ललकार रहे हैं? बिल्कुल ललकार रहे, क्योंकि अब हम लोग कहाँ जाए, उनको लगभग तीन चार बार ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग, हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं उनसे, अपना हक मांग रहे हैं। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, हमारा भर्ती जो पेंडिंग है उसे पूरी कराए मोदी जी। आप बात यही है ना कि अगर आपकी उम्र निकल गई है तो वो क्या करेंगे, नई योजना आई उसके तहत आप उसमें फिट नहीं आ रहे हैं? नहीं, उम्र इन लोगों ने मतलब हमारा ओवर एज किया है ना। हाँ। आप 21 साल की उम्र में मैं भर्ती हुआ आर्मी में, मेरा सिलेक्शन हुआ 21 साल की उम्र में, दो साल हमें डार्क में रखा गया, भ्रम में रखा गया कि अब आपकी भर्ती होगी, अब आपकी भर्ती होगी, लेकिन भर्ती कराया नहीं गया। लास्ट में अग्निपथ योजना आई और हमारे सब सर पे थोप दिया गया। तो उस दो साल के दौरान 21+2 23 साल हमारा उम्र हो गया, तो जानबूझकर हमें ओवर एज किया गया। सरकार से हम मतलब मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, मोदी जी हमने क्या बिगाड़ा है आपका, जो आपने हमारा हर चीज़ छीन लिया, हमने क्या बिगाड़ा है आपका? इससे अच्छा होता लाइन में खड़ा करके गोली मार देते हम सभी को, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहाँ जाए हम लोग? आप सनातन धर्म का बात करते हैं, हिंदुत्व का बात करते हैं, सनातन धर्म में लिखा हुआ है कर्म का फल मिलता है, हमारा कर्म का फल कहाँ गया? आपसे पूछते हैं मोदी जी, हमारा कर्म का फल कहाँ गया? हम भीख नहीं मांग रहे, जो हमने मेहनत किया वो मेहनत आपसे मांग रहे हैं। दर्द दिख रहा है आपको चेहरे पर इस युवा के, क्या कहेंगे सर?
किस तरीके से आप लोग दर दर की ठोकरे खा रहे हैं और भगा दिया जा रहा है? बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा लड़का है जिसका सिलेक्शन 2021 में एयरफोर्स में हो गया था, कितनी खुशी थी, उसकी बहन भी खुश थी, परिवार वाले भी खुश थे, लड्डू भी बांटे थे, हर तरह से गाँव में खुशी का माहौल था। और पूरी तरह से मतलब एक सोचते हैं कि जो सपना में अभी एक बाप देखता है बेटे के लिए वो पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद में कुछ रह नहीं जाता। ऐसा कुछ था नहीं कि इतिहास में कोई भर्ती रद्द हुई हो पूरी होने के बाद में, कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ही हुआ है। तो उसके बाद में इन्होंने आश्वासन दिया होगी होगी, हर हर महीने साइड पर एक नोटिस डाल देते हैं, आगे वेबसाइट को चेक करते रहें, आपकी तुरंत ही आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। उसी तरह एक साल इन्होंने निकाल दिया और बाद में अग्निपथ योजना ला के और बोल दिया जाता है कि पुरानी सारी भर्ती क्रिया कैंसिल कर दी जाती है, अब नए तरीके से दोबारा से तैयारी करो और इसे अग्निपथ के थ्रू से आपको आना होगा। क्या गुजरा होगा आप पर जब ये चीज़ें आई? विश्वास ही नहीं हो मैडम, ऐसा है कि घर में किसी ने खाना नहीं खाया, अड़ोसी पड़ोसी भी परेशान हो गए, और अब तो ऐसे हालात आ गए कि बच्चे को उसके साथ वाले भी ताना देते हैं कि तुमने झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, कि कोई तुम्हारे लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ है तुम्हारा, तुम यही घूम रहे हो। एंगेजमेंट तक वो निश्चित हो गई थी, वो भी टूट गई। एंगेजमेंट टूट गई? टूट गई। उन्होंने अगले वालों ने भी कहा कि तुम इन्होंने फ्रॉड किया है, इनके ऊपर केस करो, इन्हें मतलब कोई भर्ती हुई देखी नहीं उन्होंने। तो मोदी जी ने अपने ही देश में ऐसा कर दिया, परदेशी बना दिया। उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि ये इस देश के ही हैं, इन्होंने भी वोट दिया था, हम ही वो किसान हैं जिन्होंने मोदी जी को राजा बना के गद्दी पे बैठाया था, तो उनका भी फर्ज है कि अपनी प्रजा की देखभाल करें। तो इसी वजह से हम कहना चाहते हैं कि वो राजा की कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने प्रजा को देखना चाहिए, ये उसी देश के बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, ना कि वो अपने प्रजा की देखभाल नहीं कर रहे हैं। मोदी जी अगर देखभाल करते तो हम ऐसे ही दर दर की ठोकरे खाते, यहाँ पे आकर बैठते। आप खुद सोचिए, देश का युवा जंतर मंतर पे बैठ के अपना हक मांग रहा है, जो पहले सिलेक्टेड लड़का है वो अपना हक यहाँ पे आकर मांग रहा है, उन्हें तो शर्म आनी चाहिए। वो तो गार्जियन समझिए कि देश का प्रधानमंत्री गार्जियन होता है, पूरे देश का गार्जियन होता है, उनको हर चीज पता है कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 1.5 लाख युवा इससे पीड़ित है, मतलब वो देश का सर्वोपरि है, समझिए कि हमारा गार्जियन वो है। तो उन्हें सोचना चाहिए ना, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह से कैसे दर दर की ठोकरे खा रहा है, अपना मतलब हर चीज़ क्लियर करने के बावजूद भी भटक रहा है। उन्हें कम से कम ये सोचना चाहिए ना, उन्हें हमारा हक तो कम से कम देना चाहिए। जी बताइए मैडम, इसके लिए कितनी परेशानी करनी पड़ती है, एक बाप को खेतीबाड़ी करके कर्जा करके उसको आगे कोचिंग दिलाना, पढ़ाई करवाना, फिर एयरफोर्स के लिए साइंस की परीक्षा करनी पड़ती है, उसके लिए भी कोचिंग कराना, बीएससी के कंप्लीट करने के लिए ग्रेजुएशन के कितना खर्च लगता है, उसके बाद फिर मुखर्जी नगर दिल्ली सीकर कहीं से भी मैनेज करके, चाहे वो अपने गहने गिरवी रखे, चाहे वो अपनी खेती गिरवी रख के उसको कराता है। लेकिन उसके बाद होने के बाद में निश्चिंत ही हो गया मैं तो, भैया ठीक है अब हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रातों रात वो योजना लाकर सारे सपने तोड़ दिए, बच्चे के भी, माता पिता के, घर वालों के, कुछ एक ऐसे भी युवा हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया परेशान होके, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाए। अब ये कंडीशन है, अब मतलब कि युवा यहाँ भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, परमिशन 2 दिन की दी जाती है, बच्चे इकट्ठा होने लगते हैं, उसके बाद में नहीं दी जाती, 10 दिन बाद दी जाती है, फिर उसके बाद फिर इकट्ठा होते हैं, फिर और 10 दिन बाद, इस तरह से मतलब संख्या बल दिखाई नहीं दे पाता सरकार को, संख्या को तोड़ने की भी कोशिश की जाए। हाँ वही बात है, फिर अगर ये इकट्ठा नहीं होंगे तो कैसे जाएंगे, और मतलब हर तरह से अभी क्या है, किसी पार्टी से लेना देना इन हमारा है नहीं, हम ना कोई राजनीति मांग रहे मोदी जी से, ना उनकी गद्दी चाहिए, ना कोई हमें ये चाहिए कि हमें अपनी पार्टी में शामिल करे। हम तो ये है कि हमारा बच्चों का जायज हक है, इनका फिजिकल मेडिकल दोबारा होता है हर बार, इनका मेडिकल करो, इनकी जो भी त्रुटि है उसको पूरा करो, और इनको हक दो, इनके साथ इतना भेदभाव क्यों। लेकिन आपसे ये भी तो कहा जाएगा कि आप जिद पे क्यों अड़े हैं, अगर नहीं हो पा रहे तो छोड़ दीजिए, कुछ दूसरा कर लीजिए। उसके लिए उन्होंने इंतजार कराया है, ओवरेज कर दिया है, बच्चों ने दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग छोड़ दी, ग्रुप डी की छोड़ दी, स्टेट पुलिस की नौकरी छोड़ दी, अब वो कहाँ जाएं, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, सेंटर की कोई भर्ती रद्द हुई है, ये पहली बार ही हुआ है। राहुल गांधी से मिले, उन्होंने क्या कुछ कहा? राहुल सर ने कहा है कि मैं इसको मुद्दे को असेंबली में भी उठाऊंगा, और ऐसा मेरे को तो पता ही नहीं है, आगे ये फंडा भी है, मैंने सोचा अग्निवीर का ही फंडा है सारा, अग्निवीर ये पता उन्हें ये पता ही नहीं था। ये पता नहीं है कि तुम लोग पहले से ही सिलेक्टेड बैठे हो, मेरे को ये तो अभी पता चला है, नुल मेरे को ये इस बारे में, मैंने सोचा कि अग्निवीर से ही परेशान है बच्चे, नुल तुम्हारा तो सब कुछ ऑलरेडी फिटेड हो, सिलेक्शन हो चुका है तुम्हारा, तो खाली ज्वाइनिंग बाकी है, तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या
लगता है राहुल गांधी आपकी बात को उठाएंगे, आगे उनसे कुछ समाधान मिलने की होप है? मैम, उम्मीद तो अब लास्ट में या तो हमें यहाँ करना पड़ेगा या फिर अपोजिशन पार्टी से मिलना पड़ेगा, उनसे ही उम्मीद है। बाकी तो गवर्नमेंट तो हमारी बात सुनी नहीं रही है, तो बताएं क्या करें, कहाँ जाएं। एक उनसे उम्मीद है, कल मिले थे हम उनसे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ मैं तुम्हारी बात हर जगह उठाऊंगा। तो देखिए, उनसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं हम सब। युवाओं से कहा जा रहा है कि आप जिद पे क्यों अड़े हैं, अगर नहीं हो पा रहे, उम्र भी निकल गई है, तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढिए, कुछ और कर लीजिए। मैडम, सबसे पहले मैं बता दूं, मैम, कोई भी लड़का अगर फौज का सपना देखता है तो उसके अंदर जो जज्बा, जुनून, जोश होता है, हर तरह से वो मतलब निछावर कर देता है फौज के लिए। अभी जितने भी लड़के हैं सभी फौजी है, भले ही इनके ऊपर वर्दी नहीं है, ये मतलब देश का सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सभी फौजी है। अगर ये एकजुट हो जाए, अगर ये सभी जिस दिन ठान लिए कि हमें वर्दी लेनी है, वर्दी रखा हुआ है, बस रक्षा मंत्रालय और मोदी जी के पास वर्दी रखा हुआ है, अगर ये सोच ले कि उस वर्दी को लेकर आना है, तो मतलब एक से दो दिन लगेगा इन सभी युवाओं को लेने में वर्दी, अगर युवा सभी एकजुट हो जाए तो। सबसे बड़ी बात है मैम, कुछ ऐसे युवा है जो मतलब घर पे बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि हमें पड़ोसा हुआ खाना मिल जाए, तो वैसे काम नहीं चलेगा। आप सभी को निकलना पड़ेगा, जब तक आप सभी एकजुट नहीं होंगे, हमारा साथ नहीं देंगे, तब तक हम सभी उस वर्दी को नहीं ले सकते हैं। कौन से वो लोग हैं जो सेलेक्ट हो जाने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, उम्र निकलता जा रहा है, बावजूद उसके वो घर से नहीं निकल रहे, कहीं ना कहीं वो अपने कंफर्ट जोन में हैं। मैम, इसमें दरअसल ये हुआ ना, जिस समय प्रोटेस्ट हुआ था अग्निवीर योजना का, उस समय लगभग हजारों युवाओं के ऊपर FIR दर्ज हुआ। और ये FIR, उसमें कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो निर्दोष हैं, उन्हें मतलब उनके ऊपर भी 4-5 FIR हुआ, जिस वजह से लड़के डरे सहमे हुए हैं, वो जानबूझकर मतलब और भी मुसीबत अपने सर नहीं लेना चाहते हैं, इस वजह से वो युवा नहीं निकलना चाह रहे हैं घर से। लेकिन उन्हें मैं बता दूं, वैसे भी जिंदा लाश हो, अगर आप सभी एकजुट नहीं हुए, अगर नहीं निकले तो वैसे भी जिंदा लाश हो यार, निकलो इस बार घर से, और इस बार यहाँ से वर्दी लेकर ही जाएंगे। सरकार हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश कर रही है, निर्दोष लोगों पर FIR करना। सबसे बड़ी बात है मैम, फौज कभी टूटता नहीं है, वो अगर ठान ले तो हर चीज संभव है। कहीं ना कहीं से हम भी एक तरह से 10 या 20-25% फौज का ही हिस्सा है, हमने भी सारी टेस्ट पास करी है, बस हमारा ट्रेनिंग नहीं था, वो भी ट्रेनिंग केवल मतलब इन लोगों की वजह से हमारा ट्रेनिंग रह गया, नहीं तो हम भी आज देश सेवा कर रहे होते। तो फौज कभी टूटता नहीं है, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी संगठित होइए और आइए, एक बार डेट फिक्स किया जाएगा, उस डेट के आप सभी को आना है। तो इन्होंने अपील की है उन सभी युवाओं से कि वो घर से बाहर निकलें और आएं आंदोलन में, अपनी संख्या दिखाएं, संख्या ना दिखने के कारण जो है इनकी कोई बात नहीं सुनता। हाल ही में राहुल गांधी से मिले, उन्होंने कहा कि ये असेंबली में इस चीज़ को उठाएंगे, सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे, उन्हें ये बात पता ही नहीं था, होप मिली है। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा माननीय मोदी जी से, सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन ये जो जख्म दे के जाएंगे ये कभी नहीं भूल पाएंगे, ना बच्चे भूल पाएंगे, ना उनके पेरेंट्स भूल पाएंगे, और ऐसा इतिहास लिख जाएंगे कि भविष्य में BJP का बहिष्कार होगा। भविष्य में BJP का बहिष्कार होगा, ये बड़ी बात कही इन्होंने। इस पूरे प्रकरण पर, पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।